सलाहुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोड शेडिंग से जूझ रहे मुंब्रा वासी लगातार 17-17 घंटे बिजली गायब रहने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिजली समस्या से लोग इस तरह परेशान हैं कि कभी पानी आने के वक्त तो कभी सोने के वक्त बिजली चली जा रही है। ये सिलसिला पिछले 3 दिनों से चल रहा है। हालांकि ये बिजली की लोड शेडिंग के बारे में लोगों को MSEB ने जानकारी पहले नहीं दी थी, मगर जब 3 दिनों से बिजली लगातार काटी जाने लगी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद NCP के नगर सेवकों ने MSEB के अधिकारी हुंडे करी से इस बारे में जानकारी मांगी। आइए जानते हैं इस बारे में NCP के सानू पठान क्या कह रहे हैं। ऐसा है, पिछले 3 दिनों से लोड शेडिंग चालू है, लेकिन जब लोड शेडिंग चालू होते हुए हमने अधिकारी को पूछा लोड शेडिंग कितने घंटे की, तो उन्होंने कहा 5.5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लेकिन जब हमने देखा कल से 17-17 घंटे पूरे शहर में लाइट नहीं रह रही है, तो लोगों का हमको फ़ोन आ रहा है, तो हमने तुरंत सभी नगर सेवकों ने, राष्ट्रवादी के सभी नगर सेवक और माननीय हमारे अध्यक्ष आनंद परंजय साहब ने तुरंत यहाँ मीटिंग कॉल सभी अधिकारियों को बुलाया और हमने मीटिंग लगाई। हमने ये उनको मांग की कि आपकी लोड शेडिंग कितना घंटा है, तो उन्होंने कहा 7 घंटा है। तो बोले 7 घंटा क्यों हमारे खाली मुंब्रा में, तो उन्होंने कहा नहीं, महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर क्या कारण है, तो बोले पानी 2 महीने में कम हुआ और जो सप्लाई आता था वहाँ सप्लाई हो रहा नहीं है, इसीलिए लोड शेडिंग है। 17 में 7 घंटे लोड शेडिंग के अलावा आप 17 घंटे लाइट नहीं दे रहे, इसका जिम्मेदार कौन? हमने उनको ये ताबड़ खास तौर से कह दिए कि अगर आपने मुंब्रा कौसा को 17-17 घंटे अंधेरे में रखा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही हमने उनको ये भी कहा कि हमारे पास तो कई मीटर की पावती है। आप बोलते हैं मुंब्रा के लोग बिल नहीं भरते, आप मीटर नहीं दे रहे, तो उन्होंने कबूला कि मुंब्रा के कौसा के 5,000 कंज्यूमर ने हमको मीटर की पावती का बिल दिया है, मीटर का पैसा भरा है, हमने उनको पावती दी लेकिन मीटर नहीं दे पाए। तो मतलब आपकी MSEDCL फेलियर है, आप 5,000 लोगों को मीटर नहीं दे रहे, उन्होंने पैसा भरा है और ये बोले कि मैंने उनको कहा आप तो उनकी लाइट भी काटेंगे, तो बोले नहीं उनके पास पैसा भरा है हम उनकी लाइट नहीं काटेंगे। तो मतलब 5,000 लोग लाइट वापरेंगे तो उनका बिल, एवरेज बिल 1.5 से 2 करोड़ रुपए होता है मंथली। 1.5 से 2 करोड़ रुपए कलेक्शन आप नहीं करते तो यहाँ पे मुंब्रा के अंदर बिल पेंडिंग बताएगा कि भाई बिल लाइट ज़्यादा वापर रहे और बिल कम भर रहे, मतलब आप उनको मीटर ही नहीं दे रहे, लाइट मीटर नहीं होने के कारण उनको लाइट का बिल नहीं जाएगा, तो वो 1.5 से 2 करोड़ रुपये वो भर नहीं पाएंगे। ऐसे ही मुंब्रा को फिर आप कंज्यूमर की क्या गलती, आप मीटर नहीं दे पा रहे, मीटर नहीं देंगे तो कंज्यूमर को बिल नहीं आएगा, लाइट तो वो वापर रही है, उसका भुगतान मुंब्रा कौसा के हर बस जो रहवासी है उनको भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम सभी जगहों पे फ्लैक्स लगा रहे कि 7 घंटे के ऊपर लोड शेडिंग टेम्पररी जो लोड शेडिंग है उसके अलावा हम काटेंगे नहीं, और हमने ये भी कहा कि जो लाइट उसके अलावा जाती है तो आप लोड शेडिंग में से माइनस करेंगे, मतलब कोई एरिया में 7 घंटे के अलावा 2 घंटे गई केबल फॉल्ट होने की वजह से, ट्रांसफार्मर फॉल्ट होने की वजह से, तो वो लोड शेडिंग में 2 घंटा वो एरिया को माइनस करेंगे वो फीडर को, उन्होंने वो कहा। साथ ही में हमने ये भी कहा नवरात्रि है तो नवरात्रि में त्यौहार के नहीं है, आप रात में 7:30 बजे से लेके रात तक 11 बजे तक आप लोड शेडिंग ना करें, त्यौहार है, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम उस टाइम पे भी लोड शेडिंग ऊपर अभी मांगनी भेज रहे हैं आपकी, उस टाइम पे लोड शेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन हमने ये कहा कि अगर आप ये सब मांगों को नहीं करें तो हम 2 से 3 दिन देखेंगे, नहीं तो मुंब्रा कौसा के हर जगह पे डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, सैयद अली भाई साहब, आनंद परंजपे साहब के, शमीम खान साहब के साथ में मिलके मार्गदर्शन में हम मुंब्रा कौसा के सभी नगर सेवक मिलके, कार्यकर्ता मिलके, NCP के हर नाके पे जेल भरो आंदोलन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। मुंब्रा कौसा के हर जगह पे लगभग जगह पे उन्होंने कहा है कि हम 25 जगह पे हम फ्लैक्स लगाने वाले, उसमें टाइम टेबल डालेंगे और उसमें बताएंगे कि इतने इतने घरे में सुबह में ये टाइम पे, शाम में ये टाइम पे लाइट नहीं रही। सानू पठान ने कहा कि हमें जानकारी दी गई है कि पानी की कमी होने की वजह से लोड शेडिंग की समस्या हो रही है, मगर सानू पठान ने यह भी कहा कि 7 घंटे के बजाय 17-17 घंटे बिजली गायब है। अगर इसी तरह मुंब्रा शहर को अंधेरे में रखा गया तो हम जेल भरो आंदोलन करें। इसके अलावा सानू पठान ने यह भी बताया कि MSB अपने ग्राहकों को मीटर लगाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं सानू पठान ने मांग की है कि नवरात्रि त्यौहार के मौके पर बिजली ना काटी जाए, जल्द ही शहर में बिजली आने और जाने के टाइम टेबल भी लगाए जाएंगे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।